वेलकम टू रोबस्ट न्यूज वर्ल्ड। एक हसीन लड़की राजा के दरबार में डांस कर रही थी। एक हसीन लड़की राजा के दरबार में डांस कर रही थी। राजा बहुत बदसूरत था। लड़की ने राजा से एक सवाल की इजाज़त मांगी। राजा ने कहा, चलो पूछो। लड़की ने कहा, जब हुस्न बढ़ रहा था तब आप कहाँ थे? राजा ने गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हुस्न की लाइन में खड़ी हुस्न ले रही थी तो मैं किस्मत की लाइन में खड़ा किस्मत ले रहा था, और आज तुम जैसी हुस्न वालियाँ मेरी गुलाम की तरह नाच रही है। इसलिए शायर खूब कहते हैं, हुस्न न मांग नसीब मांग ए दोस्त, हुस्न न मांग नसीब मांग ए दोस्त, हुस्न वाले तो अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। हुस्न न मांग नसीब मांग ए दोस्त, हुस्न वाले तो अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। जो भाग में है वह भाग कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भाग में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना जरा संभल के, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है झूठ बिकता है बिकती है हर कहानी, सच बिकता है झूठ बिकता है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। गौर कीजिएगा, सच बिकता है झूठ बिकता है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए भगवान बन जाओगे। अब थोड़ा आगे बढ़िए, आपको मैं कुछ और बताऊँ। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। थोड़ा आगे गिरगिट की भी जानकारी दे देते हैं, ये तो सांप की बात थी। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। देखिए, सुसाइड करते वक्त जो है ना, गिरगिट ने भी एक सुसाइड नोट छोड़ा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। चलिए अब एक और जानवर के बारे में बात कर लेते हैं। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। जैसा कि आजकल देख ही रहे हैं, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं इसमें कली फल फूल पेड़ पौधे सब मालिक बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। गौर कीजिएगा, धन से बेशक गरीब रहो
पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी पर लिखा होता है सुस्वागतम, अक्सर झोपड़ी पर लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। बेशक धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। चलिए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अब तक चैनल पे बने हुए हैं। कमेंट में अपनी राय लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में पड़ा घंटा जो बजता नहीं है उसको एक बार आप प्रेस कर देंगे ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियो लोड हो आपको पहली तुरंत ही मिले। धन्यवाद। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।